और अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। भारत चीन में कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई है और तवांग के करीब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। बता दें कि इस झड़प में कई सैनिक घायल होने की खबर भी है। बता दें कि 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ये झड़प हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, जहाँ पर भारत चीन सेना के बीच में झड़प हुई है और दोनों तरफ के कई जवान भी घायल हुए हैं। कमांडर स्तर की बातचीत के बाद मामला सुलझ चुका है। बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LSC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं और इसके बाद दोनों ही पक्षों के सैनिक वहां से पीछे हट चुके हैं। दोनों सेनाओं के कमांडर ने बातचीत से मामला सुलझा लिया है और इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं कुछ हिस्से पर अपनी दावेदारी ठोकती आई है। बता दें कि 2006 से ये दावेदारी और विवाद जारी है और इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे और चीन के सैनिक भी शहीद हुई थी। हालांकि चीन ने 4 सैनिक मारे जाने की बात भी कबूली थी। बता दें कि इस झड़प में 38 सैनिक चीन के मारे गए थे। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और इस झड़प में दोनों ही देशों के सैनिक घायल हुए हैं और झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। बता दें कि भारत चीन में कमांडर स्तर की बात भी हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है और इस फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों की सेना पीछे हट चुकी है। तवांग के करीब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और झड़प में कई सैनिक घायल होने की खबर भी है। बता दें कि यह झड़प 9 दिसंबर को हुई है। और 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LSC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। इसके बाद दोनों ही पक्षों के सैनिक वहां से पीछे हट चुके हैं। दोनों सेनाओं के कमांडरों ने बातचीत से मामला सुलझा लिया है। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं ने कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोका है। बता दें कि साल 2006 से ये विवाद लगातार जारी है और इससे पहले 15 जून 2020 को भी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने 4 ही सैनिक मारे जाने की बात कबूली थी और उसके बाद में ये दूसरा मौका है जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में ये झड़प हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई है और ये और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ PC थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका MKR न्यूज में। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि 2006 से जो विवाद भारत और चीन के बीच में शुरू हुआ है, आखिर वो कब खत्म होगा? साल दर साल और महीने दर महीने ऐसी खबरें आती रहती है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और आज भी इसी प्रकार की खबर आई सामने। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उस नीति के तहत चीन तिब्बत से बढ़ते हुए आज अरुणाचल प्रदेश को भी अपने टेरिटरी का हिस्सा बता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत, चाहे वो सिक्किम क्षेत्र हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में ये अपनी दावेदारी बहुत कालांतर से, इवन इसके लिए 1962 में युद्ध हुआ है जिसमें अक्साई चीन उसने अपना कब्जे में लिया है। लेकिन जब इस देश की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित चीन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कल G20 का हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री G20 का उद्घाटन करने जा रहे हैं, G20 की इस सफलता की किस तरह से भारत इसमें लीडरशिप कर रहा है, और दूसरी ओर अमेरिका और चीन, भारत की जो एक एक्सरसाइज यहाँ पे उत्तराखंड में हुई है,
हमारे औली क्षेत्र में इन तमाम चीजों को देखकर बौखलाया हुआ चीन ने जो ये हरकत की है 9 दिसंबर को, इसका तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। आप ही ने ये बात बताई है, क्योंकि सर एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अमेरिका और भारत के जो सैनिक हैं उनके बीच में जो संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास हुआ है, कहीं ना कहीं ये उसकी चीन की बौखलाहट है, कहीं ना कहीं चीन ये सोच रहा है कि अमेरिका पूर्ण रूप से भारत का साथ दे रहा है, दोनों महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे चीन ये समझता है कि मुझे ये खतरा होगा, शायद चीन इसी वजह से इस तरीके की हरकत कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं पहले ही बताया कि चीन चिंतित है आज, क्योंकि चीन का एक चीज है वो उसकी नजर बाजार पे भी है और उसकी नजर सीमाओं की हमारी जो सरजमीन है वहां पे भी, वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से और इन चीजों, क्योंकि आज चीन की कई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। उसके बावजूद ये सब कुछ जानते हुए, क्योंकि आज अगर कोई बड़ा बाजार चीन को दिखता है तो हिंदुस्तान दिखता है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इन हरकतों में जिस तरह से उसको हर समय, चाहे गलवान घाटी में रही हो, चाहे जी बिल्कुल सर, एक सवाल और जानना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें जो रूस के जो विदेश मंत्री है सर्बे लाबरोव, उन्होंने आज एक बयान दिया कि भारत की जो दोस्ताना जो नीति है, भारत के साथ में जो हमारे संबंध है वो बरकरार रहेंगे, क्या यही वजह है कि चीन को ये दोस्ती भारत और रूस की, भारत और अमेरिका की, या भारत की और कई अन्य देशों की, रूस चीन को ये रास नहीं आ रही है? बिल्कुल, आज चीन को भारत ने अलग थलग करने में सफलता हासिल की है, क्योंकि जिस रूस को अपना परंपरागत दोस्त मानता था चीन, आज वो रूस भी आज भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने एक बोल्ड स्टेप लिया जो यूक्रेन युद्ध हुआ है और उस युद्ध में जो अपनी भूमिका निभाई है, उस भूमिका में भी जब रूस भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है तो चीन निश्चित रूप से बौखलाएगा, क्योंकि चीन हमेशा रूस को ऐसा समझता था कि ये वामपंथी कंट्री है, ये हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन आज रूस भी जब भारत के साथ दिख रहा है तो निश्चित रूप से चीन के माथे में चिंताएं की लकीर होगी और चीन जिस तरह से अपने अंतर्द्वंद्वों में फंसा हुआ है, जिस तरह से वहाँ महामारियां फैल रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, और भारत की बढ़ती ही ताकत से बौखलाया हुआ चीन आज ये छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, मजबूत भारत की सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देते हुए निश्चित रूप से भारत की सीमाओं में मजबूती से खड़े हैं, इसमें कोई भी चिंता हमारे देशवासियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की सेना, विश्वविख्यात सेना आज सीमाओं में मजबूती से खड़ी है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, एमके न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं, भारत चीन में कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई है, तबांग के करीब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, झड़प के बाद कई सैनिक भी घायल हुए हैं, ये खबर भी सामने आई है। बता दें कि पूरी घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश में रही है, जहां पर भारत चीन सेना के बीच में झड़प हुई है, दोनों तरफ के कई जवान घायल हुए हैं, कमांडर स्तर की बातचीत के बाद मामला सुलझ चुका है। बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LEC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई, तबांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक जख्मी हुए, घायल हुए, और इसके बाद दोनों ही पक्षों के सैनिक वहां से पीछे हट गए। और बता दें कि दोनों सेनाओं के कमांडरों ने बातचीत से पूरा मसला सुलझा लिया है और इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं ने कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। बता दें कि साल 2006 से ये विवाद लगातार जारी है और इससे पहले 15 जून 2020 को भी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चाइना के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चाइना ने 4 ही सैनिक मारे जाने की पुष्टि की थी।